नमस्कार दोस्तों, हम है लाओस की कैपिटल वियनटाइन में। हमारा 20वां दिन है परदेश में और लाओस में है हमारा 4वां दिन वियनटाइन में। कल हमने साइट सीन करके मैंने आपको नाइट मार्केट कल के वीडियो में दिखाया, और आज मैं अभी आपको वियनटाइन के लाओस की करेंसी कैसी है ये दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ का लोकल जो मार्ट है, जो छोटे छोटे मॉल बने हुए वो दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ का थोड़ा लोकल कल्चर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश गायकवाड़। मैं कर रहा हूँ 6 देशों की साइकिल यात्रा। उसमें हम पहुँचे हैं वियतनाम से लाओस के कैपिटल वियनटाइन में। तो चैनल पे अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो देखते हैं वियनटाइन के मार्ट कैसे है, लाओस की करेंसी कैसे है, ये सारे मैं डिटेल आपको वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव बनाने की मैं कोशिश करूँगा। वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाइए। तो शुरू करते ही मेरे साथ ये वियनटाइन की जर्नी। मैं आपको यहाँ की करेंसी बता देता हूँ दोस्तों किस प्रकार है। अभी मैंने इस टेबल पे ये सारी करेंसी इनकी रख दी है। आपको मैं एक अंदाज़ा देना चाहता हूँ कि किस प्रकार की इनकी करेंसी रहती है। सबसे बड़ा नोट जो रहता है वो 1 लाख का, बाद में 50,000, 20,000, 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 और 500, ऐसे ये नोट रहते हैं। इसमें से कोई नोट कम भी रहा होगा मेरे पास, क्योंकि सारी करेंसी होगी या नहीं ये पता नहीं, लेकिन इतने नोट तो मैंने देखे ही है अभी तक। हम शुरुआत करते हैं बड़े नोट से। बड़े नोट की जो वैल्यू है यहाँ की आज के रेट में वो है 420 रुपये। मतलब 10 रुपये आप समझिए, उनके जो 10,000 है वो, उसकी जो प्राइस है वो 42 रुपये। उस हिसाब से 1 लाख का जो नोट है उसकी कीमत है 420 रुपये। मतलब हम मोटा मोटी 400 पकड़ लेते हैं उसको। 50,000 की जो नोट है उसकी 200 रुपये, 20,000 की जो नोट है उसकी 80 रुपये, 10,000 की जो नोट है उसकी 40 रुपये, बाद में आती है 5,000 की उसकी लगभग 20 रुपये, बाकी ये जो 2,000, 1,000 और जो 500 है इसकी तो कुछ भी वैल्यू ही नहीं। इधर 2,000 मतलब 4,000 डोंग, अगर 4,000 लाओटिन किप अगर मैं लेके जाऊँ तो खाली एक कुरकुरे का पैकेट आएगा, और 1,500 का तो कुछ आता ही नहीं यहाँ पे। अगर नाश्ते की अगर बात करूँ मैं, कहीं हम बाहर जाके ब्रेकफास्ट करते हैं तो ये 30,000 हमको लग ही जाते, तो 30,000 मतलब अपने हो गए लगभग 120 रुपये। और अगर खाना खाना है हमको दोपहर का, लंच करना है, अच्छे से करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 और कम से कम 40,000 तक, मतलब अपने होते वो 160-170 रुपये। और यहाँ की जो गाड़ी वाले जो अपने चार्ज करते वो लाखों से कम में बात नहीं करते। मैं जब बस स्टैंड पे उतरा था और बस स्टैंड से जब मैं यहाँ तक आ रहा था तो उसने मुझसे 1 लाख की मतलब 420 रुपये मुझसे उसने लिए थी। पहली बार कहीं तो भी मैंने नारियल पानी पिया यार, मतलब जब से मैं निकला हूँ घर से तब से नारियल पानी पिया नहीं था। आज बहुत प्यास लगी, कहीं पानी का दुकान यहाँ नहीं नज़र आ रहा था तो नारियल पानी पिया। 25,000 की मतलब यानी अपने इंडिया के 100 रुपये का नारियल पानी पिया मैंने अभी। ये देखिए, यहाँ लाओस की राजधानी वियनटाइन में अगर हम किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो कैसे पैकेट्स ये सजा के रखते हैं। ये देखिए, ये अभी इसमें क्या क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। ये वेफर्स है लग्जरी क्रीम, ये ब्रोकोली का कुछ तो भी जूस है, ब्रोकोली के जो खाते हैं हम उसका जूस। ये गोल्ड लेबल, ये गोल्ड लेबल, ये कैमकॉन, ऐसे गिफ्ट देते हैं देखिए, बड़े बड़े से, और पूरा रेडी है एकदम, पूरा 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 साजो सामान एकदम रेडी रहता है। ये देखिए, तो लाओस के कैपिटल वियनटाइन के मार्ट में आए हूँ मैं। यहाँ पे देख रहा हूँ मैं अलग अलग चीज़ें। पहली बार गुड्डे बिस्किट का पैकेट मुझे दिखा, मैंने लिया है वो अभी। इसका प्राइस है 19,000, मतलब अपने इंडियन करेंसी में
₹80 के आसपास। बहुत महंगा है यार ये। ओरियो है ये, देखिए आप। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मुझे समझ में नहीं आती क्या है। क्योंकि अंग्रेजी में तो लिखा नहीं है, वो अलग ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये सब। कोलगेट देख सकते हैं हम। कोलगेट कितने का है? 6000। 6000 मतलब 24 रुपए का है वो छोटा सा पैक। अच्छा शॉप है, बढ़िया है। सब्जी में ओनियन तो यहाँ है ही नहीं, आलू है। आलू की कीमत क्या है? 19,000 की पर 1 किलो, मतलब 70 रुपए के आसपास। गार्लिक है 41,000 की, मतलब 240 रुपए के आसपास 1 किलो। क्या खाए यहाँ पे आके? और यहाँ पे ये देखिए, ठंडे में मैं अगर दिखाऊं तो ये सारे जूसेस है, बियर है, कोको कोला। यहाँ की ये फेमस बियर है, बियर लाओ। ये छोटा सा कैन है 10,000 का, मतलब अपने 30 रुपए 40 रुपए। और ये बड़ा कैन है 15,000, मतलब अपने 60 रुपए का बड़ा कैन। ऐसा है ये। पानी की बड़ी बोतल 10,000, मतलब अपने 40 रुपए की। ऐसा है ये शॉप। तो ये है लाओस के वियंटाइन का बार्बर शॉप। ये देखिए, कटिंग और दाढ़ी करने आया है मैं, क्योंकि बहुत जब से घर से निकला, अभी 20 दिन हो गए दाढ़ी नहीं की मैंने, तो देख रहा था यहाँ पे मैं। म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, ये सारा जो प्रदेश था पहले वो इंडो चाइना कहलाता था। और इसी के नाम पे यहाँ पे एक हैंडीक्राफ्ट का एक शॉप है, बहुत अच्छा दिखा मुझे, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ पे अंदर दिखाई गई है। और यहाँ पे पोस्ट कार्ड और स्टैम्प्स भी है, ऐसा लिखा है उधर उन्होंने। और देखिए ये बहुत ही पुराने पुराने साजो सामान यहाँ पे रखे गए हैं। बुद्ध की सुंदर प्रतिमा और हाथों से बनाई गई बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो मार्बल हमने वो मार्बल माउंटेन के उधर देखे थे, वैसे ही ये मार्बल रखे गए। मस्त है यार एकदम ये। यहाँ पे मुझे अपने गणपति बाप्पा की भी मूर्ति नजर आ रही है, ये देखिए। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस मुझे ये दिख रहा है कि उनके हाथों में ये अलग ही हथियार मुझे नजर आ रहा है। एक दंत मूर्ति ये नजर आ रही है। ये बहुत ही पुराने पुराने सिक्के यहाँ पे रखे गए हैं, जैसे कि अभी ये देखिए, ये 198 का।
पहले जो लाओस था वो फ्रांस के अंडर था, तो ये देखिए फ्रांस का नाम लिखा हुआ है। और बहुत ही पुराने पुराने सिक्के यार, वियनटाइन का सदन बस स्टेशन और सबसे बड़ा बस स्टेशन ये लाओस का। यहाँ से आपको हर एक जगह के लिए बस मिल जाएगी। जैसे अब ये टाइम टेबल लिखा है यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, लेकिन इसका फोटो भी मैं वीडियो में डाल दूंगा। यहाँ से हर एक डेस्टिनेशन की, मतलब लाओस के हर एक डेस्टिनेशन की बस आपको मिल जाएंगी। मैंने अभी यहाँ से अपने फोन सा उनका टिकट निकाला है, जो लगभग 2,20,000 किप मुझसे लिए उन्होंने, मतलब वो अपने अपने इंडियन करेंसी में हो गए 900 रुपये के करीब। और वो रात भर की जर्नी रहेगी और सुबह 7 बजे हमको छोड़ेगी। यहीं से टिकट निकाले, यहाँ से आप पाक से भी जा सकते हैं, अलग अलग डेस्टिनेशंस भी आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे नाइट बसेस ज़्यादा चलती है, अगर मैं सुबह की बस लेता तो वो भी रहती है, लेकिन सुबह की वो सिटिंग बस रहती, रात को फिर जाके वहाँ स्टे करना पड़ता, इसलिए यहाँ से आप लावो वियतनाम की भी बस निकाल सकते हैं। दानांग हनोई की भी स्लीपिंग बस यहाँ से आप ले सकते हैं। वियतनाम के हुए, हनोई, विन, ये सारी बसेस आप यहाँ से ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं। और मैं बता दूँ दोस्तों, ये जो बस स्टेशन है, मतलब ये जो अभी जो ऑफिसेज जो आपको खुले हुए नज़र आ रहे, ये सिर्फ शाम के 8 या 9 बजे तक खुले रहते हैं, क्योंकि जब मैं बस से 9 बजे यहाँ उतरा था तो ये सारे ऑफिस सारा बंद था, एकदम शांत माहौल था। ये पूरा भीड़ आप जो आप देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं था, एकदम शांत हो गया था, इसलिए मैं इंक्वायरी भी नहीं कर सकता और कुछ पूछताछ भी यहाँ कर नहीं सका था। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि आप वियनटाइन में क्या क्या देख सकते हो, कहाँ कहाँ उसका उनके मॉल कैसे रहते, वियनटाइन की करेंसी किस प्रकार है, यहाँ के मार्ट कैसे रहते, और सबसे महत्वपूर्ण वियनटाइन का बस स्टेशन, जो सदन बस स्टेशन जहाँ से हम अलग अलग सिटी को ट्रैवल करते हैं, वो किस प्रकार है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए मेरे साथ 6 देशों की साइकिल यात्रा जो है वियनटाइन में। जय हिंद, वंदे मातरम।